hello everyone today i am going to discuss this chapter chapter number 9 madam writes the bus from class 10th english textbook the first flight and this chapter is written by wali kanan the writer the name of the writer is wali kanan and uh, दिस चैप्टर इज़ अट लेंथी चैप्टर ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसका वीडियो मैं टू पार्ट्स में बनाऊंगी और दोनों पार्ट्स में दोनों वीडियोस के जैसे फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो लिंक और सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो लिंक आपको मिलेगा तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस चैप्टर की आपको वो दोनों वीडियोस ही देखने पड़ेंगे इस चैप्टर के फोर पार्ट्स हैं और जैसे कि अब टेंथ में सी में अब पैसेज आता ही है तो इसीलिए फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स मैं हमेशा टेक्स्ट को ही लेकर वीडियो बनाती हूँ ताकि टेक्स्ट अच्छे से आप सबके मन में आपके बच्चों के भी और आपके सबके मन में क्लियर हो जाए तो क्योंकि अब टेन मार्क्स का जो पैसेज है पोयम और चैप्टर्स के ही पैसेज जिसमें से आता है तो टेन मार्क्स बहुत मायने रखते हैं इसीलिए मैंने इसका टेक्स्ट एज इट इज़ लिया है और इस टेक्स्ट को ही हम डिस्कस करेंगे वर्ड टू वर्ड मैं इसकी डिस्कशन आप लोगों के साथ करती हूँ सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर मैडम राइड्स द बस सो हियर समथिंग रिटन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर दैट इज बिफोर यू रीड लेटस्ट रीड दिस पार्ट सी इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एंड एट ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ शी सीज द कैप बिटवीन आर नोइंगट डियर स्टेट एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट तो ये जो स्टोरी है बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है एक एट ईयर ओल्ड गर्ल है uh, वो इस uh, स्टोरी की मेन कैरेक्टर है तो उसकी फर्स्ट बस् जर्नी को यह डिस्क्राइब करती है और यह फर्स्ट बस् जर्नी उसकी uh, उसका एक इंडक्शन इंडक्शन होता है स्टार्टिंग एक इंडक्शन बनता है टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ किस तरह से वो सबसे पहले रूबरू होती है जीवन और मृत्यु की सच्चाई से सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर इज एन एक्टिविटी ये कुछ वर्ड्स uh, हैं जो आपको uh, मिलेंगे आगे इसमें चैप्टर में ओके सेट ऑफ पैसेंजर्स गेट ऑफ द बस टिकट्स प्लीज रो ऑफ सीट्स ब्लोइंग अ विसल गेट ऑन द बस प्लेटफॉर्म अ रोड एंड अ वैटल ओके स्लोइंग डाउन टू अ क्रॉल ये सारे एक वर्ड्स हैं जो आपको आगे पैसेज में आएंगे जहाँ भी आएंगे हम उनको अंडरलाइन करते जाएंगे Then you must have travelled by bus more than once. What can you see from a fast-moving bus? All these are questions which can be discussed in the class. So, given below are some suggestions. If you want to speak about the scenes briefly, uh, whatever you say, uh, whatever you see outside a bus when you are when you are uh, travelling, then you can write a sentence or two also. So, here are some uh, words given. By using these words, you can describe the scene. Okay. Uh, so let us start this is the first part of the chapter see there was a girl named walli malai walli mai who was called walli for short So, asli naam tha walli ammai aur usko hum short me us ladki walli she was eight years old and very curious about things curious means jigyasu choti choti baat ko janna thi. her favorite pastime was standing in front of doorway of her house and uh, watching that वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड तो घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर स्ट्रीट में देखना क्या हो रहा है यही उसका फेवरेट पास टाइम था देर वर नो प्ले मेड्स एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू उसके साथ ही अपनी उम्र के कम थे वहाँ आसपास खेलने के लिए इसलिए वो ज्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं करती थी बट फॉर वर्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज

एक पिक्चर भी दी गई है यहाँ पर और ये जो इस चैप्टर के जो फेम जितने भी ये कार्टून जो बनाए गए हैं इसमें ये फेमस आर के लक्ष्मण के कार्टून्स हैं जो बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं कई अखबारों में उनके कार्टून्स आया करते थे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वल्ली खड़ी है और ये बाहर अपनी स्ट्रीट की तरफ देख रही है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वोज द बस द ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन इट थ्रू हर स्ट्रीट इच आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक तो सबसे फैसिनेटिंग सबसे अट्रैक्टिव चीज जो उसको लगती थी वो थी वहाँ की बस ये बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है जब बस में सफ़र करना भी एक जैसे आजकल भी हवाई यात्रा करना सबकी बस की बात नहीं है इसी तरह से उस समय बस में यात्रा करना भी बहुत कम लोगों को मिलता था तो वो बस एक बार हर एक घंटे में उसके घर के आगे की स्ट्रीट से गुजरती थी एक बार टाउन की तरफ को जाती थी और दूसरी बार टाउन से वापस आती थी सो द साइट ऑफ द बस filled ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ये आगे आई वो वर्ड सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएडिंग चॉय फॉर वली और वली हर बार उसमें बस में नए पैसेंजर्स नए चेहरे उसको देखने को मिलते थे डे आफ्टर डे शी वॉचड द बस एंड ग्रेजुअलीअर टाइनी विश ग्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रीडियर डेली जब वो उसको बस को देखती थी तो एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आ गई अब वो इच्छा उसके मन में बड़ी होने लगी शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वांस ना द विश वॉज दैट शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस चाहे एक ही बार दिस विश बिकेम्स स्ट्रॉगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स एक जुनून बन जाना है जिसको आप कंट्रोल ना कर पाओ Wally would stare wistfully, wistfully means longingly, means desiringly at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle Kindle Ma in her longings set alight, Kindle means Jagmaga Jana dreams and hopes. The faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights to her, and the town to her, Wali well, would be too jealous to listen and would shout in English, Proud! Proud! Agar uske koi friend kabhi yatra karke aati bus mein aur kuch, to bahut jalti She would feel jealous aur thi, Proud!

over many days and months Wally listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus and she also asked a few discreet questions means very careful uh, questions here and there aksar logon ki jo bus mein safar kya kuch questions matlab wale questions bhi this way she picked up various small details about the bus journey means बस जर्नी के बारे में काफ़ी उसने डिटेल्स इकट्ठा की द टाउन वॉज सिक्स माइल्स फ्रॉम हर विलेज दिस वॉज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन शी केम टू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड हर विलेज इज सिक्स माइल्स द फेयर वॉज थर्टी पैसे वन वे एक तरफ का किराया था तीस पैसे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल वैसे तो वो कुछ नहीं है शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से एक बार एक एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से अच्छा कपड़ा पहना हुआ इंसान से पूछा उसने कि कितना फेयर है कितना जस्ट थर्टी पैसे उसके लिए शायद वो थर्टी पैसे ज़्यादा नहीं थे बट टू बल्ली हु केस ले सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट्स फॉर्च्यून लेकिन बल्ली के लिए तीस पैसे इकट्ठे मिल जाना वो तो उसके लिए फॉर्च्यून था फॉर्च्यून मीन्स गुड लक the trip to the town took 45 minutes now the second informe third information which she came to know was ki time kitna lagta hai 45 minutes ek taraf ka on reaching town if she stayed in her seat and paid another 30 paise she could return home the same bus ab usne socha ki agar wo 30 paise de kar 45 minutes mein गांव से शहर जाएगी town और फिर वो bus से उतरेगी नहीं same bus में वापसी करेगी अनदर थर्टी पैसा pay करेगी तो वो एक पूरी राइड ले सकती है दिस मीन दैट शी कुड टेक वन ओ क्लॉक आफ्टरनून बस रीच द टाउन एंड वन फोर्टी फाइव एंड बी बैक होम बाई टू फोर्टी फाइव तो एक बजे की बस वो लेती है तो वन फोर्टी फाइव पे टाउन पर पहुंचेगी और बस वहाँ दस पंद्रह मिनट रुकती है दो बजे वहाँ से वापसी करेगी तो टू फोर्टी फाइव वापस आ जाएगी सो ऑन एंड ऑन वेंट हर था एंड शी कैलकुलेटेड एंड री कैल्कुलेटेड प्लान एंड री प्लान अब उसने प्लानिंग करना शुरू कर दी बस राइड की here are some comprehension questions what was wally's favorite pastime so wally's favorite pastime was to stand on her doorway and to watch the street what was happening outside what was the source of unending joy for wally just watching the street what is happening there and what was the strongest desire yes one more thing the bus that each time uh, that passed uh, every hour that was her that was source of unending joy and her strongest desire was to ride that bus even if just once then what did Wally find out about the bus What kya, kya she find findings and how did she find out these details It was find out that the distance between the town and the, her village was 6 miles and from uh, one trip takes 45 minutes and the fare was 30 paise findings and she uh, find she found out all these details from the people uh, by listening to the conversations of the people and asking some discreet questions to them then what do you think Wally was planning to do yes woolly was planning to have a bus ride now the second part of the chapter well one fine spring day the afternoon Bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, Stop the bus, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. Ek spring day afternoon, may bus ko rooknekili chota aur karawa or raha tha stop the bus and in a very commanding way. The bus slowed down to a crawl. Yes, ye tha ye word. slow down to a crawl. And the conductor sticking his head out of the door said, Hurry then, tell whoever it is to come quickly. Up sneep niggardan Bahani Kalkebolare Joby Jaldi Jarjaw Buspe. It is me, shouted Wally. I am the one who has to get on. By now the bus had come to a stop, and the conductor said, Oh really? You don't see so Yes, I simply have to go to the town, said Wally.

यू डोंट हैव टू हेल्प मी वली ने उसका हाथ पकड़ने से इनकार किया और कहा मैं खुद अंदर आ जाऊँगी द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉट फॉर्ट ऑफ जोक फॉन्ट ऑफ चौकिंग अब जो कंडक्टर था वो थोड़ा जॉली किस्म का आदमी था ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम उसने वो बड़ों की तरह बिहेव कर रही थी तो उसने कहा ओ oh. he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody, move aside, please. Make a way for Madam. Now, usne kaha ki Madam aari, inke liye seat khali kijiye. Seat khali It was the slack time of the day. Slack time is a time when there is not much work. And then there were only six or seven passengers on the bus, so they were all looking at Wally and laughing with the conductor. So all of started talking and laughing. वल्ली वॉज ओवरकम विश शाइन है सब उसके थोड़ी सी वो शर्मा गई अवॉइडिंग एवरी वन आई शी वॉक क्विकली टू एन एम टी सीट एंड सेट डाउन तो एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई नाउ सी हेयर हेयर इज द सीन इन साइड ये सीन है इन साइड ऑफ द बस का एंड हेयर वल्ली इज सिटिंग और ये कंडक्टर खड़ा है इस तरफ यहाँ पर कंडक्टर खड़ा है May we start now, madam, the conductor asked smilingly. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road. A blew a whistle. Yeh bhi word upar aaya It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside the overhead bar shone like silver. Directly in front of Wali. अबब द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक द सीट्स व सॉफ्ट एंड लग्जूरियस तो ये बस की डिस्क्रिप्शन है नई बस थी तो उस पेंटेड थी बाहर से और ग्रीन स्ट्रिप्स थी और ओवर हेड बार्स तो बिल्कुल सिल्वर की तरह उसके चमक रहे थे और उसमें घड़ी भी थी और सीट्स बिल्कुल लग्जूरियस थी वनली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज डिवोर्ड होता है एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना बड़ी क्लियरफुली मतलब ऑब्जर्व करना बट वेन शी स्टार्टड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कन्वास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ अर विंडो जैसे बाहर देखने की कोशिश की विंडो से तो कैनवास का एक ब्लाइंड जो धूप को रोकता है उससे उसको बाहर दिख नहीं रहा था सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड अब उस ब्लाइंड यानी कि वो जो रुका वो शील्ड थी उसके ऊपर से उसने देखना शुरू किया खड़ी हो गई वो द बस वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल अब बस एक नहर से गुजर नहर के पास से गुजर रही थी द रोड वॉज वेरी नैरो ऑन द वन साइड द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज ये आउटसाइड का सीन है ग्रास लैंड डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई ऑन द अदर साइड अ डीप एंड एंड देन ऑफ ग्रीन सो ऑल थिंग्स वर विजिबल ऑल दिस वॉज अ सीनरी आउटसाइड द बस ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल बड़ा अच्छा लग रहा था उसको सडनली शी वॉज स्टार्ट वॉइस लिसन चाइल्ड सेट द वॉइस यू इन स्टैंड लाइक दैट सेट डाउन कहते बच्चे खड़े नहीं रहिए बैठ जाइए गिर सकते हो सीटिंग डाउन शी लुक टू सी हैड स्पोकन इट वॉज एन एल्डरली मैन हुट ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज ए बाई हिज अटेंशन सो सिटिंग डाउन तो देखा उसने कौन बोला एक एल्डरली मैन था जो ऑनेस्टली मीन्स रियली ही वॉज रियली कंसर्न फॉर हर लेकिन इसे अच्छा नहीं लगाइड देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड शी सेड हॉटीली हॉटीली मीन्स प्राउडली आई हैव पेड माई थर्टी पैसे लाइक एवरी वन एल्स कह रहे कौन बच्चा है यहाँ पर आप लोगों की एक तरह मैंने भी तीस पैसे किराया दिया है द कंडक्टर शिमडिन होता है थोड़ा साल की सी मुस्कुराहट लेकर थोड़ा सा मजाक में कहना ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ी मैडम है डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑन द लोन कितने एक छोटी बच्ची की अपना किराया देकर अकेली बस में सफ़र कर सकती हैं वनली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेट आई एम नॉट अ मैडम क्योंकि मुझे मैडम नहीं बुलाइए प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट गेट गिवन मी माई टिकट अभी तक टिकट भी नहीं दिया मुझे आई आई विल रिमेंबर आई 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 शल रिमेंबर द कंडक्टर सैड मेपिंग की मेमिकिंग हर टोन एवरी वन लाफ्ट एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर और उस सब हंसने लगे तो वली भी हंसने लगी द कंडक्टर पंच द टिकेट एंड हैंडल टू हर जस्ट इट बैक इंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल वाई शुड यू स्टैंड वन यू हैव पेड फॉर अर सीट कहते बैट के सफ़र कीजिए जब पूरा किराया दिया है "because i won't do," she answered, standing up again. marzi, but if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself. when the bus makes a sharp turn or hits a bump, that is why we want you to sit down, child. bump bus kada gaya "i'm not a child, i tell you," she said irritably. "i'm eight years old. "of course, of course. how stupid of me. eight years my The bus stopped some new passengers got on and the conductor got busy for a time. अब बस रुकी कुछ नए पैसेंजर्स आए तो कंडक्टर भी बिजी हो गया. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. अब वल्ली को लगा कि अगर मैं खड़ी रही तो कोई मेरी सीट पे बैठ जाएगा. And she sat down. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone here? she asked Wally. As the bus started again, एक Grown up एक बड़ी उम्र की महिला उसके पास आकर बैठ गई. वली फाउंड वुमन एप्सोल्यूटली रिपल्सिव रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसक पसंद नहीं थी उसको देखने से पसंद नहीं आ रही थी सच बिग होल्स शी हैड इनर ईयरलोब्स बड़े बड़े कान में छेद थे एंड सच अगली इयर और उसमें बड़ी अगली सी मतलब बदसूरत सी पहनी हुई थी एंड शी कुड स्मेल द द बीटल नट और पान चबा रही थी, और जैसे कि वो बीटल का जूस मुंह से बाहर निकलने को आ रहा था ओह कुएल विद पर्सन कहते ऐसे ऐसी लड़की इस औरत से कौन बात करेगा यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन लोन शी आंसर मीन शोइंग डिस ई गॉट अ टिकट टू कहते टिकट लेकर ही बैठी हूँ अकेली जा रही हूँ अकेली जा रही है तीस पैसे की टिकट लेकर बट शी लव द सेम एंड कंडर लव टू क्योंकि अपने काम से काम रखो ना क्यों बीच में टांगड़ आ रही हूँ बट डोल्ड वूमन वेंट ऑन विद्री नॉन सेंस ड्रिवल मीन सिली नॉन सेंस लेकिन वो तो हट ही नहीं इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अ लोन कहती है छोटे बच्चे के लिए क्या के लिए ट्रैवल करना सही है डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन कह रहे पता है कहाँ जाना है वॉट इज द स्ट्रीट वॉट इज द हाउस नंबर कौन से घर में जाना है कौन से स्ट्रीट पर जाना है यू नीड नॉट बॉर्दर अबाउट मी आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट वल्ली कहती मेरी फिक्र मत करो ओके मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ नाउ हेयर आर सम कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन why does conductor call wali madam because she was behaving like a grown up okay again and again she was saying that she is not a child she had paid her ticket then why does wali stand up on the seat what does she see now kyun uh, wo khadi because that blind jo tha uska cover from uh, that was causing an obstacle and she could not see outside so and what did she, uh, so she stood up to see outside and what did she see green fields the canal uh, was there okay uh, trees were also there then uh, what does wali tell the elderly man when he calls her a child wali told her uh, him that she is 8 years old and she had paid for the ticket for the seat and paid her fare why did not wali want to make friends with the elderly woman because her looks that elderly woman uh, uh, was not looking so nice to Wali, so she did not want to have any conversation with that elderly woman. So, uh, friends and my students, uh, uh, here uh, till here I have tried my best to explain you each and every word of this chapter. And I think that I have uh, tried my best to explain, and you will really find it helpful. And if you please really find it my discussion. Uh, helpful, uh, so please like, share, and subscribe my channel. And if you have any queries, you can uh, post your queries in the comment box of my YouTube channel. Thank you.